हेलो बच्चों कैसे हो तो आज हम डिस्कस करेंगे मिड सेशन टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2022 नंबर uh, और इसमें हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स वे ऑप्टिक्स सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन को ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर वन फॉर एच ई प्लस एटम फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ओके तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन क्या होता है ये काफी सिंपल है तो काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो टोटल एनर्जी जो भी टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की उसके मोड के इक्वल होता है राइट ठीक है पोटेंशियल एनर्जी इससे जस्ट डबल होती है नेगेटिव के अंदर बाकी काइनेटिक एनर्जी अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो जो भी टोटल एनर्जी है उसका मॉडुलस होता है टोटल एनर्जी जो है 13.6 z2

चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर टू इफ एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ काइनेटिक एनर्जी 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन एच एटम देन इन विच एनर्जी लेवल द इलेक्ट्रॉन विल ट्रांजिट ओके तो हमें ट्रांजिशन uh, बताना इलेक्ट्रॉन का कि किस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा Normally, अगर में दे रखा है हमें एच एटम के बारे में, तो हम में ही रखा हो तो ठीक है तो यहां इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है इंसिडेंट होगी इलेक्ट्रॉन बीम अगर अपनी एनर्जी ट्वेल्व पॉइंट एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे एच एटम के इलेक्ट्रॉन को अगर ट्रांसफर कर दे तो उसका जो ट्रांजिशन है वो मैक्सिमम कहां तक हो सकता है उस कंडीशन को हमें चेक करना है यहां पर तो 12.8 पॉइंट एट इलेक्ट्रोन वोल्ट जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा देखिए n इक्वस टू वन में जो एनर्जी होती है वो माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स एन इक्वस टू टू में जो एनर्जी है वो माइनस का थ्री पॉइंट फोर ठीक है थ्री के अंदर जो एनर्जी है वो माइनस का वन पॉइंट फाइव वन ठीक है एंड फोर के अंदर जो एनर्जी है वो माइनस का जीरो पॉइंट एट इलेक्ट्रोन वोल्ट के अराउंड होती है ठीक तो है तो इनमें जो डिफरेंस है एनर्जी का क्योंकि 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली exactly वन ये टू नंबर वाला हो गया थ्री नंबर वाला हो गया ये नंबर वाला हो गया तो वन और फोर के बीच में जो डिफरेंस है ना वो ऑलमोस्ट ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास होता है ठीक है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी एच एटम के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा एंड देन इलेक्ट्रॉन जो है वो एन बराबर वन से फोर में उसका ट्रांजिशन हो जाएगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा थर्ड है ना तो इनका जो डिफरेंस है वो ट्वेल्व पॉइंट एट के राउंड रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द आयनाइजेशन पोटेंशियल टू आयनाइज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड एनर्जी लेवल ऑफ एल प्लस टू एटम ठीक है अगेन दिस इज हाइड्रोजन लाइक एटम हाइड्रोजेनिक एटम तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने के लिए फ्रॉम सेकंड एनर्जी लेवल ऑफ एल प्लस टू एटम तो सेकंड जो एनर्जी लेवल है वो कितना होता है तो अगेन वही सेम फॉर्मूला ई इक्वल्स टू माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वेयर एल प्लस टू के लिए जेड की वैल्यू जो है थ्री है तो थ्री का स्क्वेयर नाइन हो जाएगा बाय एन स्क्वेयर एनर्जी लेवल पर है तो एन की वैल्यू टू 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 जा है ना तो ये आ, वैल्यू जो है हमारे पास आएगी इस इस वैल्यू को अपन लिख सकते हैं दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके रफली इसको अगर अपन कैलकुलेट करें तो थर्टी सिक्स वोल्ट के आसपास ये वैल्यू आती है नेगेटिव के अंदर तो सेकेंड एनर्जी लेवल के अंदर एनर्जी इतनी है तो हमें अगर इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री करना है आयनाइज करना है एटम को तो उस केस में हमें इतनी एटलीस्ट एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो पॉजिटिव में इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी राइट right? तो पॉजिटिव में जो एनर्जी देनी होगी दैट इज थर्टी पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो इसमें ई e को हटा दीजिए आप ठीक है ई e को डिवाइड कर दीजिए चार्ज को डिवाइड डिवाइड कर दीजिए देन वैल्यू थर्टी पॉइंट सिक्स वोल्ट तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर इफ एल्फा पार्टिकल एंड प्रोटोन आर एक्सलेटेड बाय सेम पोटेंशियल देन फाइंड लेमडा एल्फा अपॉन लेमडा पी ओके तो इनके लिए हमें वेवलेंथ का रेशो पूछा है ऑब्वियसली ये मैटर वेव wave की वेवलेंथ होगी है ना तो लेमडा एल्फा या लेमडा पी कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हो तो उससे एसोसिएटेड जो जो वेव होगी उस वेव wave की वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी के इक्वल होती है और पी को मोमेंटम जो कि हम लिख सकते हैं अंडर रूट टू एम के और के को लिख सकते हैं क्यू इन

एम uh, मैं प्रोटोन का मास मास्यूम कर लेता हूं और बाकी चार्ज की बात करें तो एल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है दो प्रोटोन है तो टू क्यू हो गया प्रोटोन के लिए बात करें तो मास होगा एम एंड चार्ज होगा क्यू डी वाला पार्ट कट जाएगा यहाँ ये एट आ गया एट आने का मतलब हुआ वन ओवर टू रूट टू तो ये रेशियो आ जाएगा तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्वेश्चन नंबर इन इफेक्ट द वर्क फंक्शन फाइव डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर टी एस देखो टेम्परेचर बढ़ने से इंक्रीज करने से वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है तो आप इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हो तो यहाँ पर इन बाकी लीनियरली देखा जाए तो जैसे टेम्परेचर के साथ अगर अपन डायरेक्ट अगर रिलेशन देखें तो फाइव जो है वो टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ठीक है t2 के नहीं होता t की पावर जीरो तो ये तो इंडिपेंडेंट हो गया और ये t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो ये जो तीन ऑप्शन इसमें से वो गलत हो जाएंगे तो सेकंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा ठीक है सिंपली ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है तो 5 प्रोपोर्शनल टू वन ओवर t नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें वेव नेचर ऑफ लाइट इज वेरीफाइड बाय लाइट का वेव नेचर किस से अपन वेरीफाई कर सकते हैं देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो पार्टिकल नेचर का पता लगता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है वो लाइट अगर वेव हो या पार्टिकल हो ठीक है दोनों से ही आप इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो तो पर्टिकुलरली वेव की बात करें तो वो इन दोनों से हम नहीं कह सकते लेकिन इंटरफेरेंस अगर हो रहा है तो इसका मतलब लाइट डेफिनेटली वेव है तो फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चले सेवंथ नंबर विच ऑफ द फिनोमिना कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द हाइगेंस थ्योरी हाइगेंस थ्योरी से किस फिनोमिना को अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते रिफ्रैक्शन कर सकते हैं डेफिनेटली रिफ्लेक्शन को भी कर सकते हैं डिफ्रेक्शन ऑब्वियसली क्योंकि वेव जो वेव थ्योरी से अपन इसको इन तीनों पार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं बाकी पोलराइजेशन जो है वो हम हाइगेंस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो फोर्थ हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्वेश्चन नंबर एट्थ फॉर डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न टू बी ऑब्जर्व नेसेसरी कंडीशन इज दैट रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिशन बाई बोथ द सोर्सेज शुड भी देखिए डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस का मतलब हमें मैगजिम और जो मिनिमम मिलते हैं जो ब्राइट एंड डार्क फेंजेस जो मिलती हैं वो क्लियर नहीं मिले उनकी ब्राइटनेस सही हो ठीक है कॉन्ट्रास्ट अच्छा हो और मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट के लिए अगर अपन बात करें तो उसके लिए इंटेंसिटी दोनों की सेम होनी चाहिए क्योंकि जब इंटेंसिटी अगर सेम होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की जो इंटेंसिटी है वो फोर आई हो जाएगी I इज़ इंटेंसिटी ऑफ वेव ऑफ सिंगल स्लिट दो स्लिट स्लिट होती हैं, तो एक स्लिट से जो वेव आएगी उसकी इंटेंसिटी आई है दोनों स्लिट से जो वो इंटरफेरेंस पैटर्न बहुत क्लियरली दिखेगा कॉन्ट्रास्ट अच्छा होगा तो इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो वन रेशो वन होना चाहिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो, तो हो, तो हो, तो हो जाएगा क्वेश्चन The in ई है राइट right, और दोनों से अगर हम इंटरफ्रेंस करवा रहे हैं और मैक्मम इंटेंसिटी की अगर बात हो रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मीन मैग्जिमा राइट तो मैग्जिमा जो इंटेंसिटी है वो फोर आई हो जाएगी एग्जैक्ट फॉर्मुला जो है आई मैक्स का आप जानते हो रूट ऑफ आई वन प्लस रूट ऑफ आई टू का होल स्क् राइट तो आई वन और आई टू की वैल्यू सेम रूट आई प्लस रूट आई बीच मीन टू रूट आई का होल स्क्तना चले टू कोरेंट लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी आई एंड फोर आई आर सुपरपोज द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज इन द रिजल्टिंग बीम्स आर अगेन वैसा ही क्वेश्चन है आई मैक्स के लिए अगर हम बात करें तो हमें मालूम है रूट ऑफ आई वन प्लस रूट ऑफ आई टू का होल तो रूट ऑफ आई वन मतलब रूट आई प्लस रूट ऑफ फोर आई अपॉन एंड आई मिनिमम जो है वो रूट ऑफ आई वन माइनस रूट ऑफ आई टू तो रूट आई माइनस रूट फोर आई का होल स्कोर करेक्ट तो ये हो जाएगा टू रूट आई टू एंड वन थ्री थ्री रूट आई का होल स्क् मतलब नाइन आई और यहाँ आ जाएगा वन माइनस टू मतलब वन रूट आई रूट आई और रूट आई वैसे कट जाएगा तो थ्री का स्क्वायर नाइन आ जाएगा सो आंसर इज नाइन रेशो वन और वैसे इंटेंसिटी पूछे तो इसका तो नाइन आई हो जाएगा और नीचे वाले का हो जाएगा सिंपली आई तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले इलेवेंथ फॉर कोरेंट सोर्सेज विच इज एसेंशियल देखो कोरेंट सोर्सेज के लिए सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट रहना फेज डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए ठीक है अगर फेज डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट है तो फिर वो कॉरेंट सोर्स नहीं होंगे तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा ही नहीं ठीक है तो फेज डिफरेंस जो है वो कॉन्स्टेंट होना मस्ट है जरूरी है है ना हिंदी में भी कालांतर नियत होना चाहिए

तो क्योंकि वेव जो है जो लाइट वेव है वो पैकेट्स के फॉर्म में रिलीज होती है तो डेफिनेट फेज रिलेशन नहीं होता इसलिए उसमें भी हम उनको कोरेंट सोर्स नहीं मान सकते अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो कोरेंट सोर्स का मीनिंग मतलब यही है फेज डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा If an interference pattern have maximum and the minimum intensity is देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर का रेशियो हमसे पूछा है देखिए आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो ठीक है है वो हमें गिवन रेशो बाय वन और आई मैक्स जो है वो एक्चुअल में ए वन प्लस ए टू का होल स्क् और आई मिनिमम जो है वो ए वन माइनस ए टू का होल इन दोनों का रेशियो है और कुछ नहीं है एम्पलीट्यूड का स्क्वेर के प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी तो ये रिलेशन आगे यहां से कर दें तो ए टू हो जाएगा ये इसको इधर क्रॉस सोल्व कर, कर लो इसको तो यहां से जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेवन रेशो फाइव आ जाएगा सेवन प्लस ट्वेल्व हो जाएगा ट्वेल्व बाई टू मतलब तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा ठीक है चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले व्हाइट लाइट इंटरफ्रेंस ब्राइट इमेज नियरेस्ट टू सेंटर विल है, okay? ये, ये, uh, में है ये. देखो व्हाइट लाइट में सेवन कलर्स प्रेजेंट होते हैं और जो सेंट्रल जो जीरो दोनों सेंट्रल मैग्जी मिलता है, हमें, ठीक है? अब सेंट्रल मैक्सिमा जो है उसकी जो विड्थ है मैक्सिमा की जो विड्थ है फ्रिंज विड्थ जो है बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होगा तो ये लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है व्हाइट लाइट के अंदर सातों कलर प्रेजेंट है ठीक है विब्योर इनमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है ठीक है तो यहां पर सातों कलर के लिए सेवन कलर्स के लिए जो मैक्सिमा मिलेगा जीरो और इनमें भी सबसे ज्यादा जो फ्रेंच विथ होगी रेड की होगी उसके अलावा जितने भी कलर्स होंगे वो करेंगे। तो हमें जो सेंटर जो पार्ट व्हाइट कलर का नजर आएगा है ना जो एजेस होंगे वो थोड़े कलर्ड नजर आएंगे तो जो, जो 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 इसका जो एज है, है ना सेंट्रल मैगज का जो एज है वो हमें रेड कलर का नजर आता है क्योंकि रेड कलर की जो विट है वो ज्यादा होती है तो विच ऑफ द फॉलोइंग कलर विल बी नियरेस्ट सेंट्रल मैक्सिमा इज रेड तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा इज सक्सेसिव मैक्सिमा और सक्सेसिव मिनिमा के बीच में जो जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ एंड फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फ्रिंज विथ वेन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स बिकम्स डबल्ड तो स्लिट्स की uh, जो डिस्टेंस के बीच में जो गैप होता है दैट इज स्मॉल डी अगर उसको आप डबल कर दो तो तो, तो जो फ्रिंज विथ है

तो एंगुलर विथ पूछिए प्रिंसिपल मैक्सिमा की देखिए ये स्मॉल डी है प्रिंसिपल मैक्सिमा जो है वो कुछ इस टाइप से बनता है ये फर्स्ट मिनिमा है फर्स्ट मिनिमा के लिए जो एंगुलर पोजिशन होती है थीटा इज इक्वल टू लैमडा बाय डी के इक्वल होता है एक्चुअल में साइन थीटा बराबर लैमडा बाय ए होता है ए या डी लिख सकते हो आप एंड इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन अपन लिख सकते हैं थीटा 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 इज इज एंड इक्वल टू लैम्डा बाय डी तो फर्स्ट मिनिमा यहां पर भी आया यहां पर भी आया तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो एंगुलर विड्थ है वो थीटा नहीं 2 थीटा होती है थीटा इधर भी आता है तो ये एंगुलर विड्थ होती है तो इसको बस 2 से मल्टीप्लाई करना अपन को तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा 2 लैम्डा बाय स्मॉल डी तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन के अंदर साइन इनवर्स में दे ही नहीं रखा तो हमें एंगल को स्मॉल ही मान के चलना है तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा थर्ड आ जाएगा इसमें चलिए आगे चले

चलिए आगे बढ़े आई नोट नाउ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द after आफ्टर पोलराइजेशन be। देखिए इसमें प्रश्न में ये नहीं दे रखा मतलब इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो प्लेन पोलराइज्ड है या अनपोलराइज लाइट है अगर हम अनपोलराइज लाइट लेंगे तो उसके सामने पोलराइड का जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो कितने भी एंगल पर हो ठीक है तो लाइट जो पास होगी उसमें से वो प्लेन पोलराइज होगी एंड द इंटेंसिटी विल बी हाफ ठीक है तो आई नोट अगर आपने इंटेंसिटी ली है तो बाहर निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी आई नोट बाई टू हो जाएगी लेकिन अगर प्लेन पोलराइज लाइट लें पहले से उसकी इंटेंसिटी आई नोट दे रखी है अपन को तो यूजिंग मैलस लो ये कह सकते हैं जो आउट uh, गोइंग जो लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी आई नोट को स्पेट थीटा हो जाएगी राइट एंड थीटा करोगे आ आ आ जाएगा जाएगा अगेन इंटेंसिटी रही है 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 ना दोनों वे से भी सोचोगे तो तो आंसर सेम आ रहा है। इसमें करेक्ट तो ऑप्शन जो है, वो 2 हो ही चलिए आगे लाइट वेव्स सी लॉन्गिट्यूडनल रिफ्लेक्टेड देखो बेटा अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है डेफिनेटली आपको मालूम होगा पोलराइजेशन जो है ठीक है वो केवल और केवल ट्रांसफर्स वेव के लिए होता है केवल ट्रांसफर्स वेव के लिए तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द रेश ऑफ रिजोल्विंग पावर्स ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर टू वेवलेंट्स लेमडा 1 एंड लेमडा 2 इज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है उसका रिजोल्विंग पावर देखो रिजोल्विंग पावर जो है अपर्चर डायमीटर जो होता है ऑब्जेक्टिव का उसके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो यहाँ पे रिजोल्विंग पावर हमसे पूछी है आरपी पूछी है और वो भी रेशो है ना तो आरपी वन अपॉन आरपी टू रेशो लेंगे अपन ठीक है तो आरपी वन के अकॉर्डिंग लेमडा वन नीचे आ जाएगा और आरपी टू के अकॉर्डिंग लेमडा टू ऊपर आ जाएगा लेमडा के रेसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये तो बस ये वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पर तो लेमडा टू कितना है सिक्स थाउजेंड और ये हो जाएगा फोर थाउजेंड ठीक है तो यहाँ से इसको कट कर दीजिए सिक्स बाय फोर टू से कट कर दीजिए तो थ्री बाय टू इसका आंसर आ जाएगा तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हाँ जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी

अगर मैं एक सिंगल फोटोन को अगर इंसिडेंट करूं ठीक है, right? है इस फोटोन का मास है जी एम राइट एम है इस फोटोन का मास फोटोन का ये मास कौन सा है रेस्ट मास नहीं रेस्ट मास तो जीरो होता है ये मूविंग मास है रिलेटिविस्टिक मास है और फोटोन सी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो ये इससे टकराएगा कोलिजन करेगा कोलिजन के बाद में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वापस लौट आएगा ठीक है तो जब जाएगा तो इसका मोमेंटम कितना होगा एम इन वी राइट सो इंसिडेंट फोटोन का जो मोमेंटम है वो m into c के बराबर होगा और जब फोटोन वापस आएगा रिफ्लेक्ट होकर के तो इसका जो मोमेंटम है वो अगेन m into c के बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन पलट गई ना तो मोमेंटम में जो चेंज आया वही तो मोमेंटम इसको सरफेस को ट्रांसफर किया तो मोमेंटम में कितना चेंज आया यहां पर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ऐड हो जाएगा सो द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 2m c ठीक है 2m c अब यहां पर जैसे

एम इंटू सी स्क्वेर एक फोटोन की एनर्जी है और अगर एन फोटो तो टोटल एनर्जी इज गिवन ये टोटल एनर्जी है पर तो यहाँ पर एक फोटोन की मोमेंट में चेंज टू एम इंटू सी आया तो अगर एन फोटोन अगर हम लें तो डेल्टा पीडेस लिख देता हूँ एन तो से मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पर तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी टू एन एम इंटू सी राइट तो यहाँ से n इंटू एम इंटू सी की वैल्यू अपन रख सकते हैं ये वाला जो सी c है c को आप यहाँ से हटा सकते हो एक c इसके डिवाइड में ले आइए e/c आ गया ये वैल्यू तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप तो आंसर आ जाएगा 2e/c तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा ओके okay? चलिए आगे चलें 22 ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू द सेम एनर्जी इन द डी ब्रोगली वेवलेंस लैम्डा पी एंड लैम्डा अल्फा इन द रेशियो

आ, तो देखिए अंडर रूट में प्रोटोन के लिए मास में एम लिख सकता हूं एल्फा के लिए फोर एम हो जाएगा राइट फोर एम आ गया यहां पर एम से एम कट गया रूट ऑफ फोर कितना टू बाई वन तो इसका आंसर आ जाएगा तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया फर्स्ट हो जाएगा ठीक है चलिए जी आगे बढ़े ट्वेंटी थ्री फॉर द गिवन रिएक्शन द पार्टिकल एक्स इज एक रिएक्शन हमें गिवन है यहां पर ठीक है और ये जो पार्टिकल है ये बीटा प्लस पार्टिकल है देखो बीटा प्लस पार्टिकल का अगर इमिशन होता है तो सीधी सी बात है जो न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन सॉरी बीटा प्लस पार्टिकल का अगर इमिशन होता है तो जो प्रोटॉन है है ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा ठीक है साथ ही साथ बीटा प्लस पार्टिकल का इमिशन होगा और जब भी न्यूट्रॉन फॉर्म होता है तो न्यूट्रिनो पार्टिकल जरूर फॉर्म होता है ठीक है जब न्यूट्रॉन बनता है तो हमेशा न्यूट्रिनो पार्टिकल बनेगा और जब न्यूट्रॉन जो है अगर वो ब्रेक होता है किसमें प्रोटॉन में बीटा माइनस पार्टिकल में तो किसमें एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का इमिशन होता है ये हमेशा ध्यान रखें तो यहां पर ये बीटा प्लस का इमिशन हुआ है तो इसके साथ कंफर्म है न्यूट्रिनो पार्टिकल जो है उसका इमिशन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चले 24

लेकिन अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी ना तो उस केस में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की भी डेंसिटी ज़्यादा होगी यहाँ पॉजिटिव की भी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा हुई तो चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो विथ्थ है इस लेयर की वो कम हो जाएगी ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड को जो लार्ज अमाउंट में जनरेट नहीं हो सके इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसी अमाउंट में जनरेट हो सके ताकि वो डिफ्यूज़न को कम कर सके तो यहाँ पर नॉर्मली ये होता है कि अगर हम जो डॉपिंग कंसनट्रेशन अगर बढ़ाते हैं तो उस केस में जो विथ है वो विर्थ

पीएन जंक्शन में जो डिप्लेशन रीजन होता है उस डिप्लेशन रीजन में आयंस होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होल से जो है कंबाइंड हो, हो, होते हैं और इलेक्ट्रॉन जब होल से कंबाइंड होते हैं रिकॉम्बिनेशन जब होता है तो उस केस में आयंस आ जाते हैं क्योंकि पी के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं पी के अंदर एक्सेप्टर होते हैं और एन के अंदर डोनर्स होते हैं एक्सेप्टर जो है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो उन उनपे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एन के अंदर डोनर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देते हैं उन उनपे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ठीक है तो डिप्लेशन रीजन के अंदर फ्री

एन जो है वो हाई से कनेक्टेड है और पी जो है वो लो से कनेक्टेड होना चाहिए फर्स्ट में बात करें तो पी में जीरो है और एन की तरफ में माइनस फाइव है तो ऑब्वियसली पी वाला हाई पे है तो ये फोरवर्ड बाइस हो गया तो इनमें से अगर हम देखें तो अगर मैं थर्ड ऑप्शन को देखूं यहां पर थर्ड ऑप्शन में देखो पी जो एंड है वो माइनस टेन पे है और जो एन एंड है वो जीरो पे है तो जीरो वाला ज्यादा है माइनस टेन से इसका मतलब ये वाला हाई पे हो गया तो ये वाला रिवर्स बाइस में हो जाएगा तो थर्ड वाला जो है वो रिवर्स बाइस में है थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें

इस सर्किट में आई की वैल्यू हमसे पूछी है डायोड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें डायोड कंसीडर करना है। अब अगर आप गोर से देखो तो फाइव वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है।, है, है, तो है तो ये, तो तो ये सर्किट जो हटा सकते हैं और इस वाले डायोड की बात करें तो फोर्थ बायस में तो ये सर्किट की बिहेव करेगा तो अगर हम सर्किट को देखें तो करंट केवल और केवल इस वाले ब्रांच में से पास होगी तो यहाँ थर्टी एंड ट्वेंटी जो है वो सीरीज में आ जाएंगे विच इज फिफ्टी 5 -Volt की बैटरी है तो फाइव अपॉन फिफ्टी एम पी करंट आ जाएगी तो सेकंड ऑप्शन गेट दैट सर्किट रिसे गेट की बात हो रही है यहां पर एंड गेट और गेट नैंड गेट बताना है कि कौन सा गेट जो है इसको सर्किट को सेटिस्फाई करेगा तो ध्यान दीजिए दी है 5 -Volt की बैटरी है अगर मैं दोनों ए और बी को जीरो जीरो सिग्नल दू जीरो, जीरो सिग्नल का मतलब डिजिटल के अंदर की अंदर भी अगर, अगर अपन बात करें तो हम जीरो को मतलब जीरो वोल्ट ले सकते हैं तो यहां जीरो गौल्ट, जीरो वोल्ट अगर हम हम लेते हैं तो यहां क्लियरली नजर आ रहा है कि ये दोनों डायोड जो है फोरवर्ड बाकी फाइव वोल्ट है वोल्ट 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 ये वाला भी 5 वोल्ट हो गया, ये वाला वाला हो हो गया गया अगर मैं इसको ओपन टर्मिनल मानू तो तो ये करंट यू पास हो जाएगी तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा ये भी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो शॉर्ट होने का मतलब क्या हुआ

पहले जीरो वाइसिंग कंडीशन लेकर के हम चले और फिर ऑटोमेटिकली रिवर्स बाइस में आ गए तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा इसका मतलब फाइव और जीरो देने पर भी जीरो आ रहा है इसका मतलब अगर इसको फाइव दिए इसको जीरो दिया जीरो आया अगर मैं इस वाले ऊपर वाले को फाइव दू फाइव मतलब वन फाइव दें और इस सॉरी नीचे वाले को फाइव दें और ऊपर वाले को अगर जीरो दें तो भी क्या आएगा जीरो ही आएगा तो यहां पर क्लियरली पता लग रहा है ए बी जीरो जीरो दिया आउटपुट जीरो आ रहा है ए बी ए को जीरो बी को अगर वन दें तो भी आउटपुट जीरो आ रहा है इसको वन दें इसको जीरो दें न जीरो का मतलब वन का मतलब फाइव वोल्ट तो भी आउटपुट जीरो आ रहा है और दोनों को अगर अपन फाइव फाइव वोल्ट दें तो दोनों के दोनों जो हैं वो जीरो बायसिंग कंडीशन में आगे जीरो बायसिंग कंडीशन में मतलब पहली बार तो यही अप्रोच लगाएंगे अपन बायसिंग कंडीशन में तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगी करंट फ्लो नहीं होगी तो इसका मतलब इस रजिस्टर में भी कोई करंट फ्लो नहीं होगी करंट फ्लो नहीं होगी हो इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो यह फाइव फोल्ट आगे यहाँ पर राइट तो फाइव वोल्ट तो इसका मतलब दोनों के दोनों वन वन दे मतलब तो आउटपुट कितना फाइव मतलब वन आ रहा है तो ये ट्रू टेबल किसकी है एंड गेट की है तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ओके। आउटपुट सिग्नल इन द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ देट्स इज तो इन गेट्स में हमें uh, जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताना है तो फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ चार ऑप्शंस दे रखे हैं इनपुट के अंदर हमें जो सिग्नल जो वेव्स हैं वो हमें दे रखी है जैसे यहाँ पर ये यह हाई दे रखा है ये लो दे रखा है इसका मतलब वन है इसका मतलब जीरो है इसमें फिर ये वन फिर ये वन ठीक है ये जीरो ये वन इस तरीके से ये चल रहा है यहाँ पर फिर ये वन ये ज़ीरो फिर ये ज़ीरो जीरो इस तरीके से इनके क्रॉस पॉइंटिंग हमें बताना है तो ये जो गेट्स हमें देख रहे हैं इनके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये जैसे सपोज ए है ए टर्मिनल दिया ये बी है तो ये एक तरीके से नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा नैंड गेट है तो यहाँ पर। यहाँ पर अब ए बार और बी बार दोनों जो टर्मिनल्स हैं इस नैंड गेट में जा रहे हैं तो ये क्या करेगा नैंड गेट इसका आउटपुट क्या देगा ये देगा ए बार डॉट बी बार ठीक है ये तो एंड हुआ इसके ऊपर में बार आ गया पूरे के ठीक है फिर बाद में अगेन एक और नाइट गेट लगा दिया तो ये नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा इसके ऊपर एक और बार आ गया बार आने का मतलब बार के ऊपर बार लगता है तो वो हट जाता है तो ये आउटपुट क्या आएगा केवल ए बार डॉट बी बार बस ये आउटपुट आएगा यहाँ पर सी वन जो है अब इसको देखना हमें किसको सेटिस्फाई करेगा तो ए बार जैसे वन और ये जीरो है तो ये अगर वन रखूँ तो वन का उल्टा क्या हो जाएगा जीरो ए बार का मतलब तो ये जीरो हो गया और ये जीरो है तो जीरो उल्टा वन हो गया लेकिन वन इंटू जीरो जो भी है वो जीरो आएगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए फर्स्ट वाले केस में ये वन और जीरो है तो इसमें आउटपुट जीरो आना चाहिए जीरो देखिए इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है लेकिन फर्स्ट में नहीं आ रहा नेक्स्ट चले हम दोनों को वन वन दें वन वन दे, दोगे तो वन का बार जीरो वन का बार जीरो 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 आना चाहिए तो दूसरे केस में भी जीरो आना चाहिए अब जीरो देखो इसमें नहीं आ रहा तो ये गलत हो गया है जीरो इसमें भी नहीं आ रहा ये भी गलत हो गया लेकिन इसमें आ रहा है तो इसका मतलब ये सही है

तो ये एक सिंपल सा जो थेटिकल क्वेश्चन है उस तरीके से हम अज्यूम कर सकते हैं ठीक है इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेकंड हो जाएगा और अल्फा की आ, की वैल्यू अगर बीटा के टर्म्स में फाइंड आउट की जाए तो रिलेशन हो सकता है बीटा अपॉन में वन प्लस बीटा राइट तो काफी सिंपल क्वेश्चन है ये चलिए आगे चलते हैं इसमें द मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन ऑफ फॉलोइंग इज देखो पेनिट्रेशन जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा हाई होती है पेनिट्रेशन पावर उतनी ज्यादा होती है गामा रेज की फ्रीक्वेंसी इनमें सबसे ज्यादा होती है राइट right? तो गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है तो फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द सर्किट शोन हेयर इज लॉजिकली इक्वलेंट टू किसके इक्वलेंटली ये काम करेगा किस गेट के इक्वलेंट ये गेट है यहां से ए जा रहा है यहां से बी जा रहा है है ना? तो आउटपुट क्या आएगा? A प्लस बी का बार ये आउटपुट आएगा ठीक है और बाकी आगे अगर, अगर अपन देखें तो ये दोनों टर्मिनल्स जो हैं सेम जाएंगे तो ये वाला जो गेट है ना ये नॉट गेट की तरह बिहेव करता है चाहे नैंड हो चाहे नोर हो

यूनिवर्सल गेट का मतलब है इन गेट से आप कोई सा भी गेट जो है वो फॉर्म कर सकते हो बना सकते हो है ना बेसिक गेट जो है वो नॉर्थ uh, गेट होता है और गेट होता है एंड गेट होता है बट ये तीनों गेट्स यूनिवर्सल गेट्स नहीं होते क्योंकि इनसे आप दूसरे गेट्स नहीं बना सकते लेकिन नैंड और नॉर गेट से बात करें तो कोई सा भी गेट फॉर्म बना फॉर्म किया जा सकता है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले क्वेश्चन नंबर 40 इन द गिवन सर्किट इफ पीएन जंक्शन इज आइडियल कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू इट इसमें करंट इस हमें फाइंड आउट करनी है तो थ्री वोल्ट की बैटरी दे रखी वन वोल्ट की बैटरी दे की, ये जीरो जीरो तो जब भी दो टर्मिनल्स दो ए, तीन चार कितने भी हो, टर्मिनल्स का अगर पोटेंशियल सेम हो ना तो इनको आपस में ज्वाइन कर सकते हो आप तो इनको इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में ज्वाइन कर दीजिए तो सर्किट कुछ इस टाइप से बन जाएगा देखिए ये बैटरी ऐसे और फिर ये वाली बैटरी ऐसे ठीक है यहां पर ये जीरो पोटेंशियल टर्मिनल तो ये वन वोल्ट ये थ्री वोल्ट

42. What is the ratio of the shortest wavelength of the Balmer series to the shortest wavelength of the Lyman series? Shortest wavelength means maximum energy. Lyman-Balmer, ठीक है तो Balmer series के लिए आ, जो आ, जो level होता है वो कहाँ से start होता है n बराबर 2 से। Balmer series के लिए अगर हम lambda की बात करें, ठीक है? 1 over lambda equals to R bracket में 1 over shortest wavelength मतलब maximum energy तो इसके लिए एन बराबर क्या लेंगे एन इनिशियल क्या लेंगे अपन इन्फिनिटी uh, से एन uh, बराबर टू में आएगा तो वन ओवर इन्फिनिटी जीरो करें तो टू की पावर टू फोर हो जाएगा ये ठीक है तो ये तो हो गया बामर सीरीज के लिए बात करें तो लैमडा बी लिख देंगे और लाइमन सीरीज के लिए बात करें तो आर लाइमन सीरीज के लिए एन बराबर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एन बराबरिटी टू एन बराबर वन तो इन्फिनिटी वाला तो जीरो

क्वेश्चन नंबर फाइंड द रेशो ऑफ इक्वलेंट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोशन इन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ एच एटम तो इलेक्ट्रॉन करंट जो हाइड्रोजन एटम के अंदर जैसे ये हाइड्रोजन एटम है इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल रेडियस है वो आर है बीस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी जो करंट होगी आई वो किसके इक्वल होगी ई अपॉन में कैपिटल टी ज दार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टी इज दीरियड इन रेवल्यूशन और टी को हम लिख सकते हैं टू डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अपॉन में वी स्पीड तो करंट जो है, वो v r के है और जो वी है इलेक्ट्रॉन के लिए वो जेड बाई एन के प्रोपोर्शनल होता है मतलब में लिखे है अपन तो वी जो है मैं लिख सकता हूं प्रोपोर्शनल टू z by n

तो यह जाएगा एट ठीक है तो आई वन बाई आई टू जो है वो आ, एट रेशो वन हो जाएगा यहां पर क्लियर तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा एट रेशो वन फोर्टी थ्री का फर्स्ट ऑप्शन ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं फोर्टी फोर इफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियम इज सिक्सटीन हंड्रेड देन इट्स एवरेज लाइफ इज देखिए हाफ लाइफ का रिलेशन होता है टी हाफ इज इक्वल टू एल एन टू अपोन में लेमडाइट एल एन टू की जो वैल्यू है वो जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपोन में लेमडा और एवरेज जो लाइफ होती, होती है वन ओवर लेमडा होती है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री इंटू में टी एवरेज तो टी एवरेज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो टी हाफ में हमें जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री को डिवाइड करना है

देखिए बीटा पार्टिकल्स में मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ठीक है अल्फा पार्टिकल में इफेक्ट पड़ता है मान लीजिए अगर एन अल्फा पार्टिकल्स अगर रिलीज हुए मास नंबर में कितना इफेक्ट आएगा एन इंटू फोर ठीक है, है। तो एन इंटू फोर और इसमें थोरियम में टू थर्टी एट मास नंबर बीस में टू ट्वेंटी टू है इसमें अगर डिफरेंस देखें अपन तो डिफरेंस कितना टू थर्टी एट माइनस टू ट्वेंटी टू तो ये कितना आ गया सिक्सटी सिक्सटीन बराबर फोर इंटू एन एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर फोर

ठीक तो तो है, 91. 91 मतलब है? तो इसमें से सब्टैक करके देख लीजिए तो एट प्लस एटी थ्री कितना आया कितना बीटा पार्टिकल कितने वन ठीक है क्योंकि उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं तो मास एटॉमिक नंबर पे कितना इफेक्ट पड़ेगा वन का इफेक्ट पड़ेगा तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फोर्थ फोर एल्फा एंड वन बीटा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन The mass defect in a nuclear fusion reaction is 0.05 What amount of energy will be liberated in one kg fusion fusion reaction is? Again, uh, energy mass equivalence theorem से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं. तो कितना mass defect हुआ one reaction के according 0.05 percent. One kg की बात हो रही है यहाँ पर तो one kg के cross pointing कितना mass defect होगा? वो हमें calculate कर लेते हैं तो one kg का 0.05 percent. 0.05 upon में 100 and which is 5 into 10 to the power minus 4.

कैलकुलेट मास नंबर ऑफ देट न्यूक्लियस रेडियस इज हाफ ऑफ जर्मेनियम टू टू रेडियस हाफ है ओके देखिए इज़ इक्वल द पावर वन बाई थ्री होता है है ना और हमें मास नंबर बताना है किसी न्यूक्लियस का मान लीजिए ए है और वो उसकी जो रेडियस है वो इस जर्मेनियम सेवनटी टू रेडियस से जो है हाफ है आधी है इसका मतलब ये वाली जो तो वैल्यू है जर्मेनियम के लिए अगर बात करें तो कितना आएगा आर नोट बाई टू, हाफ होगा ना इसका और ये ए कितना है यहाँ पर ए है इसका 72, 72 की होल पावर वन बाई थ्री। ये हो गया तक इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको तो ये जस्ट हाफ है इसको बस सोल्व करना है पावर वन बाई थ्री कर दीजिए आर नोट तो वैसे भी कट जाएगा तो ए इज इक्वल टू, टू की पावर थ्री कितना जाएगा एट इसे कट करो तो कितनी वैल्यू तो मास नंबर कितना आ जाएगा नाइन आ जाएगा तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया

प्लस इोट और VS जो है वैल्यू माइनस फाइव बाई राइट ये वैल्यू आ गई हमारे पास अब इसके अकॉर्डिंग अगर ग्राफ बनाए तो स्लोप तो जो है इसका वो एच बाई आ राइट लेकिन जो इंटरसेप्ट है वो फाइव बाई e को रिप्रेजेंट करेगा अब यहां पर अगर हम देखें तो वी एस और ए के बीच जो न्यू है इसके बीच में ग्राफ ऐसा बनेगा ठीक है? अब ये वाला जो पॉइंट है, है? तो, मतलब तो है वो न्यू बराबर न्यू नोट को बताएगा ठीक है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी तो फाइव जो है वो एच न्यू नोट हो जाएगा तो उसके न्यू की वैल्यू न्यू नोट के बराबर होगी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो न्यू बराबर न्यू नोट है तो यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ये बता रहा है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए की जो है वो कम है बी की क्या है ज्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा दैट मींस उसका जो वर्क फंक्शन बी का ज्यादा है तो ए का जो वर्क फंक्शन बी के कंपैरेटिवली क्या होगा स्मॉलर होगा तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा सेकंड आ जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 50 व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डिफ्रेक्शन इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ अपर्चर ए एंड वेवलेंथ लैम्डा देखिए डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन जरूरी है कि जो अपर्चर है या जो ऑब्स्टिकल है उसका जो डायमेंशन है ना वो आ, जो वेव जो इंसिडेंट हो रही है उस वेव wave की वेवलेंथ के आ, ये कह सकते हो कंपेरेबल साइज़ की हो कंपेरेबल साइज कह सकते हो तो अपर्चर के डायमीटर के बराबर अगर है तो भी चलता है लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है वेव तो भी नहीं होता वेव की वैल्यू बहुत कम है तो भी उस कंडीशन में नहीं होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए नहीं ये भी सही नहीं है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा फिफ्टी का राइट right. तो ये थे टोटल फिफ्टी क्वेश्चन इनका सॉल्यूशन आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा ओके थैंक यू